मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर आज जिला पंचायत के प्रशासकीय समिति के प्रधान कांता ठाकुर की अध्यक्षता में छोटा तालाब छिंदवाड़ा स्थित श्रेयांश मैरिज लॉन से डेंगू पर प्रहार अभियान की जिला स्तर पर शुरुआत की गई है। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, सीईओ जिला पंचायत हरेंद्र नारायण, एएसपी संजीव उइके, सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, नगर निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य विवेक साहू, रमेश पोफली, शेषराव यादव, रोहित पोफली, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जी सी चौरसिया, जिला मलेरिया अधिकारी सहित अन्य अधिकारी गण, स्वास्थ्य विभाग व नगर निगम का अमला, सामाजिक संगठन और NSS व NCC के छात्र उपस्थित थे। इस अवसर पर डेंगू नियंत्रण के लिए जागरूकता हेतु जागरूकता रैली भी निकाली गई, जिसमें जनप्रतिनिधि व कलेक्टर सहित सभी अधिकारी भी स्वास्थ्य व निगम के अमले और NCC NSS के विद्यार्थी के साथ शामिल हुए। साथ ही नगर निगम छिंदवाड़ा में घर घर जाकर सर्वे कर सर्विलांस दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया गया। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशन पर सभी जिलों में ये एंटी डेंगू ड्राइव चलाई जा रही है, जो कि अपने छिंदवाड़ा जिले में भी इसका आयोजन किया था, जिसमें बहुत से जनप्रतिनिधि आए थे और कलेक्टर साहब और CO साहब जो थे वो भी आए, डिस्ट्रिक्ट SP साहब आए थे, सभी ने इसमें पार्टिसिपेट किया है और एक रैली भी निकाली थी हमने। और सुबह वहाँ से रैली निकालते हुए छोटे तालाब के एरिया से छोटी बाजार तक वहाँ तक रैली निकाले थे और सभी को ओरिएंट कराया, इसमें महत्व बताया कि इस तरह के अभियान का क्या महत्व है और लोगों को क्या सावधानी रखना चाहिए, खास तौर पे जो घरों में कंटेनर वगैरह हैं अनुपयोगी पड़े रहते हैं, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता रहता है उसमें लार्वा मच्छर पनपते हैं, उस रेडीज मच्छर के लार्वा जो है ना वो पनपते हैं और यही जो है इसके लिए डेंगू के लिए यही जिम्मेदार होता है। और ये मच्छर जो है ये साफ पानी में रहना पसंद करता है, तो घरों में इसलिए बहुत दिक्कत रहती है कि घरों में जहाँ भी कूलर में पानी पड़ा हुआ है, कुछ पुरानी टंकियां हैं जो खाली हैं, अनयूज हैं लेकिन खुली हुई हैं, और कुछ खिलौने वगैरह पड़े रहते हैं जिसमें पानी इकट्ठा हो सकता है, नारियल के बोल वगैरह पड़े रहते हैं जो कि अनुपयोगी वहाँ पड़े रहे हैं, जिसमें थोड़ा भी पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो वहाँ पर पनप सकते हैं। तो मेरा आप लोग आपके माध्यम से BCN न्यूज़ के लिए छिंदवाड़ा से चंद्रशेखर शक्रावार की रिपोर्ट।